बीएसपी से चुनाव नहीं लड़ेंगी बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला। बसपा ने जौनपुर से काटा श्रीकला का टिकट। आधी रात में भैंजी के फोन से बदल गया खेल। यूपी की जौनपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर अपना टिकट बदल दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने यहां से निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव का टिकट काटकर श्रीकला रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन अब श्रीकला रेड्डी का टिकट काटकर एक बार फिर से श्याम सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने जौनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार के बदलाव पर मुहर लगा दी है। श्याम सिंह यादव सोमवार को इस सीट पर नामांकन दाखिल करेंगे। मायावती के फैसले ने जौनपुर लोकसभा सीट के चुनावी गणित को पूरी तरह से बदल दिया है। जौनपुर लोकसभा सीट से धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट देकर बैंजी ने बड़ा दाव खेला था। धनंजय सिंह को जमानत मिलने के बाद जौनपुर सीट का गणित बदला दिख रहा था, हालांकि मायावती ने अचानक उनका टिकट बदलने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया। हालांकि श्रीकला ने जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा के सिंबल पर नामांकन दाखिल कर दिया है। बसपा की ओर से जौनपुर से श्रीकला के नाम की घोषणा होने के बाद से ही जौनपुर का चुनावी माहौल बदलने लगा था। भाजपा ने सीट पर कृपा शंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से यहां से बाबू सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। हालांकि श्रीकला सिंह के चुनावी मैदान में उतरने के बाद चर्चा केवल उन्हीं की हो रही थी। माना जा रहा था कि भाजपा और बसपा के बीच में इस सीट पर चुनावी मुकाबला हो रहा है, लेकिन श्याम सिंह यादव को सिंबल दिए जाने से जौनपुर सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। सियासी उठापटक के बीच हॉट सीट बन चुकी जौनपुर लोकसभा सीट पर तब हलचल उफान पर पहुंच गई थी जब श्रीकला के टिकट कटने की खबर आम हुई। यहां से श्रीकला का टिकट कटने की पुष्टि कोऑर्डिनेटर ने कर दी है। बसपा के कोऑर्डिनेटर घनश्याम सिंह खरवार ने बताया कि जौनपुर से बसपा उम्मीदवार श्रीकला सिंह के पति धनंजय सिंह ने रात में हमारे कोऑर्डिनेटर को फोन कर बताया कि उनकी पत्नी जौनपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी। उम्मीदवारी तय होने के बाद श्याम सिंह यादव ने कहा कि एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया था कि अगले सांसद आप ही होंगे। उन्होंने कहा कि बैंजी ने आधी रात में फोन करके चुनाव लड़ने के लिए कहा। मीडिया में छपी खबर के मुताबिक उन्होंने कहा, बैंजी ने मुझे एक बार फिर अपने आशीर्वाद से नवाजा है। बैंजी ने कहा कि अपने पेपर तैयार कर लो, मैं आज कहीं बाहर निकलने वाला था, लेकिन संयोग की बात है कि रात में उनका फोन आ गया। मेरे सब पेपर तैयार है। जहां तक टिकट की बात है, वो हमारे कोऑर्डिनेटर साहब खरवार साहब लखनऊ से लेकर चले हैं। उम्मीद है कि एक दो घंटे में मिल जाएगा। आपको बता दें कि श्याम सिंह यादव जौनपुर से सिटिंग सांसद भी हैं, लेकिन इस बार बैंजी ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को टिकट देकर सबको चौंका दिया था, लेकिन एक बार फिर से श्याम सिंह यादव को मौका मिल गया। श्याम सिंह यादव पीसीएस अधिकारी रहे हैं और जौनपुर के गांव रानीपट्टी के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि श्याम सिंह यादव 1982 के पीसीएस अधिकारी हैं और उन्हें शूटिंग का काफी शौक है। वो यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि श्याम सिंह यादव ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शूटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और देश का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने शूटिंग की कोच की जिम्मेदारी भी निभाई है और बताया तो ये भी जाता है कि वो राज्यवर्धन सिंह राठौर के भी कोच रह चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में धनंजय सिंह जेल से रिहा होने के बाद जौनपुर पहुंचे थे। ऐसे में उम्मीद थी कि जौनपुर में धनंजय सिंह अपनी पत्नी श्रीकला को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, मगर इससे पहले ही बसपा ने अचानक श्रीकला रेड्डी का टिकट काट दिया। बता दें कि श्रीकला रेड्डी बसपा प्रत्याशी के तौर पर जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी, मगर अब उनका टिकट बसपा ने काट दिया है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, ये खुलकर सामने नहीं आई। जौनपुर सीट पर श्रीकला की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा था। ऐसे में बसपा से टिकट कटने पर क्या वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगी या निर्दलीय ही खड़ी हो जाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।